भाई अभी हम यहाँ से चल रहे हैं और हालांकि अभी निकाह तो नहीं हुआ है बट हम यहाँ काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि अगर हम थोड़ी देर रुके तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है। भाई मैं अभी हूँ दोले साहब के साथ। अभी मौका है भागो नहीं। एग्जैक्टली मैं 7 साल में पहली बार अपने गांव में लोगों से मिलना था, उनको फेस करना था 7 साल बाद आफ्टर 7 ईयर। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो फाइनली मैं हूँ इस समय लगभग रामपुर के आसपास और मैं आज जा रहा हूँ अपने होम टाउन और एग्जैक्टली एक शादी भी है वहाँ, शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आज वहीं पर मेरा मीटअप है और ज्यादा लोगों को मैंने बताया ही नहीं किसी को, इतना सा सरप्राइज है। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि 7 साल बाद जो है मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ, एग्जैक्टली उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं रहा करता था और मैंने बहुत सारा काम किया है, तो मज़ा आने वाला है। साथ में मेरे दोस्त की शादी है जो मेरे साथ रहते थे दिल्ली में, 7-8 साल का जो सफ़र है उन्होंने मेरे साथ गुजारा है। तो अभी रामपुर आने वाला है, रास्ते का व्यू देखेंगे और एग्जैक्टली मैं आपको शादी दिखाऊंगा और मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये जब रामपुर जाते हो ना तो उससे पहले ये एक मेन पुल है, वो जो आप देख रहे हो ना लोहे वाला बहुत पुराना पुल है और यहाँ से एग्जैक्टली एक रामपुर की महक आ जाती है और हमें जो है रामपुर के लिए यहाँ से चलना है। और ये बीच में जो रेस्टोरेंट है ना, ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो आज मैंने आपको यूनिवर्सिटी के बाहर का व्यू भी दिखा दूंगा और यहाँ पे जो है रामपुर का मेन गेट आने वाला है। बहुत प्यारे नज़ारा यार, अपने एरिया की बात ही अलग होती है, एक अलग ही मिट्टी की खुशबू आती है। रामपुर सिटी खासियत क्या है कि आप जब भी आओगे ना तो आपको गेट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहीं पर आपने सुना होगा नवाबों की जो कोठी थी, उस पर भी मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है। जो पूरे जंगल दिख रहे हो ना, इसी के पीछे जो है नवाबों की कोठी है। तो ये यहाँ की जो है गांधी समाधि है, काफी अच्छी बनाई थी आजम खान साहब ने और ये ना पूरा राउंड है तो काफी अच्छी लगती है। और इसके सामने यहाँ पर बैठने के लिए जगह है और यहीं पर आप देखोगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत अच्छा बनाया, मतलब चमका दिया रामपुर को, ये देखिए। तो चलो अभी ये जो रास्ता जा रहा है ये वाला हमारे होम टाउन को जा रहा है। तो भाई यहाँ से ना ये यूनिवर्सिटी शुरू हो गई और ये जो देख रहे हैं ना ये है जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान वाली यूनिवर्सिटी, ये देखिए। और ये पूरी यहाँ तक बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेट ब्लॉग भी बनाया है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना अरबाज ब्लॉग्स यूनिवर्सिटी तो वहाँ से भी देख सकते हो। ये जो थे हमारे राजू भाई थे, राजू पाशा भाई, इनसे काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई मेरी। चलो अभी जो चल रहे हैं हम वहाँ पर चल रहे हैं जहाँ पर शादी का फंक्शन है। तो भाई ये है हमारा स्वार, ये स्वार की मेन मार्केट है और ये जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना तो देखिए ये मेरा होम टाउन है और उसके आस पास एक गाँव है, उस गाँव का नाम नहीं बताऊँगा नहीं तो लोग आ जाएंगे वहाँ पर। तो भाई इनसे ना मैं 7 साल बाद मिला था और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब मैं अंदर से थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि काफ़ी समय बाद मिला और मतलब मैं बता के नहीं आया था इतना प्यार लोग एग्जैक्टली घेर लेते हैं। अभी लोगों को पता भी नहीं था कि सही तरीके से कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मतलब ये होता है कि इमोशन वाला होता है ना कि अब जब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन आपका जो एग्जैक्टली घर होता है वही होता है। तो यहाँ से भी हम जा रहे हैं मसबासी जहाँ पर शादी है। ओह चलो चलते हैं। भाई
भाई यहाँ पर सीन ये था कि बारात कम, मेरा मीटअप ज़्यादा लग रहा था, तो अभी यहाँ थोड़ा काम है, मुझे चलता हूँ, उसके बाद फिर चल रहे हैं बारात के अंदर। ये गाड़ी हमारी, चलते हैं। तो भाई मैं अभी हूँ दूल्हे साहब के साथ। तो अभी हम बैठे हुए खाना खाते हैं, चलते हैं। तो भाई ये दानिश भाई की शादी थी, जो मेरे दोस्त हैं, जो 6 साल से मेरे साथ रहते थे, और शादी कम ये आज मेरा जो है ना, एक तरीके से कहते हैं मीटअप ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आया। और एग्जैक्टली मैं 7 साल में पहली बार अच्छे तरीके की शादी अटेंड कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है। और अभी हम खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद जो है एग्जैक्टली जो ब्लॉग था ना आज मेरे लिए एक इमोशन था। इमोशन इसलिए था क्योंकि मुझे अपने गांव में लोगों से मिलना था, उनको फेस करना था 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर। क्योंकि 7 साल पहले का मेरा दौर कुछ और था, जब मैं गांव को छोड़कर गया था, और आज 7 साल बाद आप खुद देख सकते हो कि लोगों ने किस तरीके से घेर लिया, प्यार दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब खाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाएँगे, उसके बाद फिर ब्लॉग का एंड करेंगे। चल रहे हैं, और हालांकि अभी निकाह तो नहीं हुआ, बट हम यहाँ काफ़ी लेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर रुके तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर। भाई हम वहाँ से आ गए, और बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैंने ना कि एक पोस्ट भी नहीं डाला था, कुछ भी बताया नहीं था लोगों को, और उसके बाद भी आप भीड़ देख रहे थे। तो क्या होता है कि लोगों का प्यार होता है, लेकिन क्या होता है ना कि अब लोग कहते हैं यार एक ही बार में 10-10 फोटो खिंचवाना, तो टफ हो जाता है। खैर अभी उनका जो निकाह नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग आ गए, और मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, और एंड करता हूँ ब्लॉग का। और जल्दी मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आपको, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, उसके बाद एक नए देश का सफ़र शुरू होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।